हेलो बेटा, रिलेशन फंक्शंस 12th का जो बैच है रिलेशन फंक्शन हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा। और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन डिस्कस किया था। अब इसके अलग जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक रह रहे हैं एक दो छोटे छोटे, आज वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। चैप्टर हमारा कंप्लीट ओवर हो जाएगा फॉर जेई मेंस, फॉर एडवांस, फॉर सीबीएसई, फॉर एक्स्ट्रा, जितने भी एग्जाम होंगे सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टॉपिक में हमारे पास एक तो इवन ऑड फंक्शंस और दूसरा कुछ स्पेशल फंक्शंस है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल फंक्शंस। एक टाइप के फंक्शंस आएंगे, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, उन पर क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। इवन ऑड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना स्पेशल फंक्शन है, बट पहले हम लोग इवन ऑड फंक्शन देखेंगे, उसके बाद सब स्पेशल फंक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इवन ऑड फंक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होते हैं? वैसे तो आप लोग पढ़ते आए हो इवन फंक्शंस के बारे में, फिर भी एक बार डिटेल में देख लेते हैं इवन फंक्शंस होते क्या है। देखो, ऐसे फंक्शंस इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से और दोबारा एफ ऑफ एक्स आ जाए, मीन्स अगर किसी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, उसके बाद भी आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया दोबारा सेम आ गया, तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन फंक्शंस, ठीक है। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ठीक है भाई बच्चों। अगर इसके एग्जांपल देखो इवन फंक्शंस के, तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोग इवन फंक्शंस के देख सकते हैं। लाइक कॉस एक्स, देखो, क्योंकि कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक एक्स, एक्स स्क्वायर, मोड एक्स, अप टू एंड सोन, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई भी एग्जाम्पल को अगर उठा के देखोगे आप लोग, लेट करो आपने लिया सेक एक्स, अब इसमें माइनस एक्स पुट करके देखो, तो देखो सेक माइनस एक्स इज सेक एक्स, तो ये क्या हो गया? इवन फंक्शंस हो गया। अब छोटी मोटी चीज़ें और हमें पता होनी चाहिए इवन के फंक्शंस के बारे में। दूसरी चीज़ ये होती है इवन फंक्शंस में, ठीक है, सेकेंड कंडीशन जो इवन ग्राफ के लिए होती है, जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो ग्राफ होते हैं इवन फंक्शंस के, वो हमेशा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब कि वाई एक्सिस से जितना लेफ्ट साइड में उतना ही राइट साइड में। कोई भी एग्जांपल देख लो, जैसे कि अभी हम लोगों ने लिया वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। देखो बच्चों, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, तो देखो सिमेट्रिक है ना अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस सिमेट्रिक, जितना उधर उतना ही इधर। और ग्राफ देखोगे वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखो सिमेट्रिक है, जितना वाई से उधर उतना ही इधर। कोई भी और ग्राफ ले लो, वाई इक्वल्स टू मोड एक्स ले लो, मोड एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस ये। तो ये है हमारा पहला फंक्शन इवन फंक्शन। हम बात करते हैं ओड की, उसके बाद दोनों को थोड़ा मिक्स करके प्रॉपर्टी देखेंगे एक दो, ठीक है बच्चों। तो ये इवन फंक्शन। नेक्स्ट इज ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है, अब ये देख लेते हैं। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ओड फंक्शन क्या होता है। ओड फंक्शंस रिवर्स जस्ट मीन्स, अगर मैं एक्स को रिप्लेस करूं माइनस एक्स से और उसके बाद वो क्या दे दे, माइनस बाहर निकाल, मीन्स इवन फंक्शन में वो माइनस को कंज्यूम कर लेता था कंप्लीटली, बट ओड में माइनस को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, बट क्या कर रहा है कि पूरा माइनस बाहर जरूर निकाल पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, देन एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। तो एफ एक्स क्या हो गया आपका, ओड फंक्शंस हो गया, सीधी सी कंडीशंस। अगर एग्जांपल देखना चाहो इसके, तो बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक टेन एक्स, साइन एक्स, इनके दोनों के रेसिप्रोकल एक्स, एक्स क्यूब, अप टू एंड सो, ये सभी ओड फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है।
कोई सी भी अगर एग्जांपल को लोगे आप लोग, लेट करो, ले लो 10x, अब इसमें माइनस पुट करके देखो, तो 10 माइनस x इज माइनस 10x, सिंपल सी कंडीशंस। नाउ अब यहां से आप लोग कह सकते हो, तो देखो जरा ये किसके इक्वल आ गया, ये माइनस बाहर है और ये पूरा f ऑफ x के इक्वल है, तो f ऑफ x देखो माइनस बाहर निकाल गया ना, इसका मतलब एफ एक्स इज अ ओड फंक्शन। अब इनके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, छोटी सी प्रॉपर्टी, ग्राफ इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि समटाइम ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोई फंक्शन दे देगा, पूछेगा कौन से फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, इसका मतलब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ओड है, आप उससे इजीली बता सकते हो, ठीक है। देखो जरा इफ जो ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ग्राफ ऑफ ओड फंक्शन ऑलवेज लाई इन अपोजिट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, दो कंडीशंस, या तो उसके जो ग्राफ होंगे अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब फर्स्ट थर्ड या सेकंड और फोर्थ, ये अपोजिट क्वाड्रेंट हम लोग इन्हें बोलते हैं। देखो जरा कोई भी एग्जांपल लेके देखो, जैसे कि साइन एक्स से स्टार्ट करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इधर क्या है, इसी इंटरवल में इधर थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो अपोजिट क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट ये थर्ड, या आप लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, अगर ऐसे नहीं देखना है तो देखो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन के सिमेट्रिक हो गया, ओरिजिन के क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, आप ये भी बोल सकते हो इजीली। और देखो कोई भी फंक्शंस लाइक 10x ले लो या एक्स क्यूब ले लो, देखो अपोजिट क्वाड्रेंट में आएगा इसका ग्राफ, या माइनस ले लो, चलो बार बार ऐसा लग रहा होगा ना, ठीक है, तो देख लो जरा माइनस भी ले सकते हो, ठीक है, या प्लस रहना चाहते हो प्लस ही, ग्राफ ये आपको पता होगा, तो अपोजिट क्वाड्रेंट, तो ग्राफ जो ओड फंक्शंस के होते हैं वो अपोजिट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है भाई बच्चों, ये सिंपल सी कंडीशंस। अच्छा अब एक दो मिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं, देखो मिक्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कभी कभी ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, कभी कभी ऐसा होगा जो फंक्शन होगा ना, आप x को रिप्लेस करोगे माइनस x से, ना तो वो माइनस को कंज्यूम करना कर पाएगा और ना ही वो क्या करेगा, उसे कम्प्लीटली बाहर निकाल पाएगा, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं नाइदर इवन नोर ओड। फिर भी एक कंडीशंस और हम लोग इसमें ऐड करेंगे इवन ओड के लिए, देखो जरा एक मिक्स कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस, पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, समटाइम खाली माइनस रिप्लेस करने से काम नहीं चलेगा, तो एक समझो बात, देखो ऐसा होगा, आप ऐसा करके देख सकते हो, वैसे एक पर्टिकुलर बहुत ही कम एग्जांपल मिलते हैं, वैसे तो माइनस पुट करोगे ना उसी से पता लग जाएगा इवन है या ओड है, बट एक दो टाइप के फंक्शंस है जहां पर, जैसे कि लोग का एक एग्जांपल है जहां पर ये प्रॉब्लम आती है, तो उसी तरह के क्वेश्चंस के लिए देखो, अगर आप एफ एक्स में एफ ओ माइनस एक्स ऐड कर दो, ध्यान से समझना, लेट करो फंक्शन है इवन, तो फंक्शन इवन है तो ये भी एफ ओ एक्स रहा होगा भाई, इवन है तो टू टाइम एफ ओ एक्स आ जाएगा, मीन्स अगर ऐड करने से किसी फंक्शन में x को माइनस x से रिप्लेस करके ऐड करोगे और उसके बाद ट्वाइस आ जाए तो फंक्शन क्या रहा होगा, इवन ना, और अगर ऐड करने के बाद अब समझो इन केस ओड रहा होगा, तो ओड ने तो माइनस बाहर दिया होगा, ये कैंसिल हो गया होगा, डायरेक्ट क्या आ गया होगा जीरो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं फंक्शन को, ओड, ठीक है, फंक्शन को क्या बोलेंगे, ओड फंक्शन। अब कंडीशन समझ लेना, एग्जाम्पल वैसे इस पर बहुत ही एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता देता हूँ, लो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक एग्जाम्पल है जो खाली माइनस से काम नहीं चलेगा इस फंक्शन एफ ओ एक्स, देखो इसे चेक करना है कि ये इवन है या ओड है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप तो सिंपली कहोगे ना कि सर एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं, ये तो प्लस ही रहेगा स्क्वायर और ये माइनस, इसे सेकंड लेट कर लो और ये रहा आपका फर्स्ट, अभी क्या माइनस बाहर निकला, नहीं, क्या माइनस को कंज्यूम किया, नहीं किया, तो फिर कैसे पता लगाएंगे, तो आप तो कह दोगे नाइदर इवन नॉर ओड है ना, बट नहीं, अभी इस वाले क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी जरूर लगानी है आपने,
ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड कर देते हैं, मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये देखते हैं किसके इक्वल आता है। एक्चुअली लोग में ना प्लस वाले में प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाली, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये एक स्पेशल केस है बहुत ही, ये मत सोचना सब जगह ये अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी आपको। अब देखो जरा लोग एम प्लस लोग एन किसकी प्रॉपर्टी, लोग एम इंटू एन की, लगाओ जरा लोग एम इंटू एन इसमें, लोग एम इंटू एन, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस वन इज लोग। अब समझना जरा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये कैंसिल, ये बचा क्या लॉग वन, लॉग वन और लॉग वन क्या होता है जीरो, इसका मतलब दोनों का जो सम है वो जीरो आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी, इसका मतलब कि जो एफ एक्स था वो एक कौन सा फंक्शन था, ओड फंक्शन था, समझ में आ गई बच्चों, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इस पर एक दो एग्जाम्पल और भी आ जाते हैं, वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई सेक लोग, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लोग वन प्लस सॉरी एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बताओ कौन सा फंक्शन है, इवन है या ओड है। देखो जरा ध्यान से, ये इनसाइड वाला पोर्शन है ना, ये ओड है, ओड का मतलब इसने माइनस बाहर निकाला होगा, और जब इसने माइनस दिया होगा तो ये सेक माइनस को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा, ये ओड फंक्शन है, इसने माइनस बाहर निकाला और उस माइनस को सेक खा गया, मीन्स सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, समझ में आई मेरी बात। तो इस तरह के ये बहुत ही स्पेशल केस था इसमें, ठीक है भाई बच्चों, तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी इवन ऑड फंक्शंस की, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक छोटी सी लिस्ट बनवा देता हूँ आपको कि अगर दो इवन ऑड फंक्शंस प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं तो क्या क्या होता है, ठीक है। एक छोटी सी टेबल, अच्छा जो फंक्शन ना माइनस को कभी कंज्यूम कर पाएंगे कम्प्लीटली और ना कभी, ठीक है, उसे बाहर निकाल पाएंगे ऐसे फंक्शंस को, नाइदर इवन नॉर ओड, फिर भी एक एग्जांपल देख लो, कभी आप लोग को लगे कि सभी फंक्शन इवन ओड होते हैं, ऐसा नहीं है। sec x प्लस एक्स क्यू जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, इसमें देखते हैं कौन से, माइनस एक्स कर देते हैं, sec माइनस एक्स क्यू, ठीक है, इसकी जगह ऐसा, चलो ठीक है। आप देखो जरा ये sec माइनस एक्स क्या हो जाता है, sec x और माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, देखो माइनस को बाहर नहीं निकाल पाया, नहीं कम्प्लीटली माइनस बाहर नहीं हुआ, मीन्स ये सेम नहीं आया फंक्शंस, ना तो माइनस को कंज्यूम किया और ना ही निकाल पाया, दैट्स व्हाई एफएक्स इज नाइदर इवन नॉर ओड, ना तो इवन है और ना ही ओड है, ठीक है भाई बच्चों। ये ऐसे ही मैंने सिंपल सा एग्जांपल आपको बता दिया। चलो एक छोटी सी लास्ट टेबल, इन्हें थोड़ा सा डायरेक्ट भी देख सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, कैसे ध्यान से समझो। देखो अगर दो फंक्शन लिए हम लोगों ने, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, चार तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, दोनों इवन हो सकते हैं, इवन ऑड हो सकते हैं, ऐसे इवन इवन ओड ओड, ये इवन ओड इवन ओड। अब देखो ये दोनों फंक्शन को अगर आप लोग चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, और एक केस कि अगर दो इवन ओड फंक्शंस इनटू हो रहे हैं, या इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, या ये सबट्रैक्ट भी मतलब डिवाइड में भी है, तो क्या कंडीशंस होंगी, ध्यान से समझना जरा, बहुत ही इजी सी कंडीशंस है, खुद सोच सकते हो, इतने ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। देखो अगर दो एक इवन और इवन फंक्शंस को ऐड करोगे तो पहले वाला भी माइनस खा लेगा, दूसरे वाला भी खा लेगा, दोनों को ऐड किया तो माइनस ख़त्म, माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मीन्स तब भी फंक्शंस क्या रहेगा, इवन रहेगा, ठीक है। अच्छा अभी ये प्लस माइनस देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई पाएंगे, एक इवन और एक ओड, अब एक माइनस को कंज्यूम कर लेगा और एक को माइनस को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, जैसा अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइदर इवन नॉर ओड, अगर पहला ओड है दूसरा इवन है तो भी सेम कंडीशंस होगी,
क्योंकि ना तो दोनों माइनस को कंज्यूम कर पा रहे हैं दोनों, ना ही माइनस को क्या बाहर निकाल पा रहे हैं। बट अगर दोनों ओड हैं तो अब तो दोनों माइनस को बाहर निकाल देंगे, पहले वाला भी दूसरे वाला भी, तो पूरे से माइनस कॉमन ले लोगे तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड, दोनों में कोई सा भी केस हो, दोनों में सेम कंडीशन। देखो जरा, अगर इवन फंक्शन है दो और वो मल्टीप्लाई, इवन का ऐसे मतलब समझो कि पॉजिटिव दे रहे हैं, तो जब दो पॉजिटिव चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो भी तो पॉजिटिव ही आएगी, मतलब इवन ही रहेगा। ठीक है, बट अब समझो ये अच्छा है कि अगर एक इवन और दूसरा ओड है, या पहला ओड दूसरा इवन है, अब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है, एक मतलब एक ने जो नेगेटिव है उसे खा लिया, एक ने नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, या डिवाइड करोगे तब भी सेम नेगेटिव, मतलब माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ओड। तो इन दोनों कंडीशन में फंक्शन क्या होंगे, ओड होंगे। ठीक है, लास्ट कंडीशन, अगर दोनों फंक्शन ओड है, आप समझना देखो, अगर दोनों फंक्शन ओड है तो एक माइनस बाहर देगा दूसरा भी माइनस बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब फंक्शन दोबारा क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। तो थोड़ी सी ये टेबल आपको हेल्प कर सकती है, डायरेक्ट अगर कहीं दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हैं, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, चार फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो ऐसे ही प्लस माइनस करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है भाई बच्चों, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक था, इवन ऑड फंक्शंस। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कौन सा है वो टॉपिक, वो है सम स्पेशल फंक्शंस। बच्चों जल्दी से बुक में नहीं मिलेंगे, बट जो सम स्पेशल फंक्शन में, मैं अराउंड 4 से 5 टाइप के फंक्शंस आपको अभी बताऊंगा, जिन पर हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी ना किसी सेट में। ठीक है, मतलब उन पर ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बट उन पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देख लो, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्या होते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, कुछ नहीं, फंक्शन ही है, थोड़े से स्पेशल टाइप के हैं या पैटर्न है जिन पर क्वेश्चन आते हैं। पहले पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, केस वन, एग्जांपल भी कराऊंगा सभी पर, डोंट वरी। केस वन देखो, कभी आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है, ए एफ ओ एक्स प्लस बी एफ ओ, 11th में भी पढ़ा होगा वैसे आपने ये क्वेश्चन इस तरह की, 11th की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें भी है, आरडी शर्मा में भी है, और प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं कई बार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है देखो, ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ 1/x प्लस इक्वस टू एक्स। देखो ऐसा होता है, जरूरी नहीं यहाँ पर एक्स एक होगा और यहाँ पर उसका दूसरे का रेसिप्रोकल, ये इस तरह की क्वेश्चंस पहले भी आप लोगों ने सॉल्व करने सीखे होंगे। और इसमें देखो क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ऑपरेशन एफ एक्स पे लगाएगा, ऑपरेशन मतलब एफ एक्स के साथ कुछ कुछ पूछेगा, लेट करो कहेगा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, सम टाइम कहेगा कि ये देने के बाद कि डिफरेंशिएशन बताओ एफ एक्स, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट पर वैल्यू पूछ लेगा, लेट करो एफ थ्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जैसे जी मीन्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एफ ऑफ एक्स, ये सारे पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स ऐसे दे देगा, देन फाइंड एक्स, फाइंड एक्स फाइंड करो, मतलब मुद्दा क्या है ये समझो, मुद्दा सिंपल सा है, वी नीड एफ ऑफ एक्स, अरे इंटीग्रेशन तो हम कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, ये भी सॉल्व कर लेंगे, बस हमें क्या चाहिए एफ ऑफ एक्स, बट क्या इसमें एफ ऑफ एक्स है, नहीं। आप कहोगे सर है तो, अरे एफ ऑफ एक्स है बट ये क्या है, ये एफ ऑफ 1/x भी तो है, मीन्स हमारा मेन मुद्दा मेन मोटिव ये होगा कि इसे रिमूव करना है। जैसे ही मैंने एफ ऑफ एक्स 1/x को रिमूव किया इक्वेशन से, मेरा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। कैसे करेंगे वो देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो क्या है देखो, इसे इजीली सॉल्यूशन कर रहा हूँ बच्चों, जैसे कि ए, ये ए मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, अभी एक एग्जाम्पल भी लूँगा, बी भी कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, वेरिएबल भी है, और ये इसे इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या करो, जब भी ऐसा हो ना कि कोई मतलब इधर x है कुछ भी कोई भी फंक्शन, उधर उसका रेसिप्रोकल, तो एक दूसरे से रिप्लेस कर दो, मतलब x को रिप्लेस कर दो 1/x से पूरी इक्वेशन में, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो यहाँ पर देखना जरा क्या आएगा, यहाँ पर a f of 1/x plus b f of x equals to 1/x, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, काम क्या था हमारा, हमें ये हटाना है। तो देखना जरा, अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे, एक तरह लीनियर इक्वेशंस होगी ना, टू वेरिएबल की तरह,
तो ये हटेगा कैसे? अगर मैं इन दोनों को सेम बना दूं और उसके बाद माइनस कर दूं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए से, और ये बी है ना, इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, बी से, और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, काम हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 इनटू ए माइनस इक्वेशन नंबर 2 इनटू बी, ये ऑपरेशन मैंने लगाया, ठीक है भाई बच्चों। सो ध्यान से देखो जरा, ये ऑपरेशन लगाने के बाद बचेगा क्या हमारे पास, वो देख लेते हैं। जब मैंने इसे a से मल्टीप्लाई किया तो ये आया ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इधर लिया ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस ए बी एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वस टू ए एक्स, इसमें मल्टीप्लाई किया, b करोगे इसमें, ये ए बी, ये बी स्क्वायर, ये b, ये आ जाएगा ए बी एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ये बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और दिस वन इज बी बाई एक्स। ये अब इन दोनों को क्या कर लो, माइनस, देखो जरा ये कैंसिल हो गया ना भाई, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, बचेगा क्या, दिस एंड दिस, तो ये आया ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और ये आ गया ए एक्स माइनस बी बाई एक्स, और इससे कॉमन ले लो बच्चों एफ ऑफ एक्स को, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस वन इज ए एक्स माइनस बी बाई, और फाइनली वी फाइंड एफ ऑफ एक्स। बस यही तो निकालना था, यही निकालना था बस। अब तो हम कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं ना, अब हम इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशंस भी कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट पर भी इसकी वैल्यू निकाले जा सकती है। तो ये प्रोसेस होता है इस तरीके क्वेश्चंस को करने का। एक जेई मीन्स का एग्जांपल देखेंगे इस टाइप का, ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज पर हम लोग इसके चलें। समझ में आ गया भाई, सिंपल सी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसी पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी पैटर्न पर। एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखो एक सिंपल सा फंक्शन दिया मैंने आपको एफ ऑफ एक्स, ऐसे लेट कर लो एफ ऑफ एक्स प्लस 2। ये जेई का पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, जेई 2014 में आई थिंक आया है, 14 में या 16 में, आई एम नॉट श्योर, लाइक इस तरह का क्वेश्चन था, और कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एफ ऑफ माइनस एक्स, देन एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। थोड़ा सा चेंज करके लिखा है मैंने, मतलब नॉर्मल सी लैंग्वेज में। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन देखो, कुछ नहीं भाई, ये देखो एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स के साथ इक्वल रखना है, बट पहले एफ ऑफ एक्स तो मिले, अगर एफ ऑफ एक्स मिलेगा तो फिर तो हम लोग सॉल्व करके निकाल ही सकते हैं एक्स की वैल्यू ना, तो मीन्स निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स, और अभी अभी मैंने आपको पैटर्न बताया, चलो निकालते हैं। Now this, ये इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते थे बच्चों, अभी भी बताया, x को रिप्लेस कर दो 1 बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये 1 बाई एक्स, और ये सेकेंड। अब बताओ जरा, ये हटाना है ना, तो क्या करो, बस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मैं ना थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बना देता हूँ अपनी तरफ से, चेंज लेट करो, ये 3 होता, ये 3 होता, ये 3 होता, ठीक है। अब क्या करते हैं बोलो, अब क्या करो, रिवर्स करो, जैसे ये 2 है और ये 3 है, तो इसे मल्टीप्लाई 3 से और इसे मल्टीप्लाई 2 से, थोड़ा सा अच्छी कैलकुलेशंस करने के लिए मैंने ऐसा किया जैसे, ठीक है। अब इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 एफ ओफ एक्स प्लस ये आ जाएगा 6 एफ ओफ 1 बाई एक्स इक्वस टू 3 एक्स, ठीक है भाई बच्चों। और इसे अगर 2 से करोगे तो दिस वन इज 6 एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 4 एफ ऑफ एक्स इक्वस टू 2 बाई एक्स। नाउ माइनस करो जरा, ये कैंसिल, नो 9 में से 4 टाइम जाएगा तो कितना 5 टाइम एफ ऑफ एक्स, और दिस वन इज 3 एक्स माइनस 2 बाई एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया ना हमारे पास क्या 1 बाई 5, और दिस वन इज 3 एक्स माइनस 2 बाई एक्स, ठीक है भाई बच्चों। बस अब जो निकालना है वो निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन कहता है इंटीग्रेशन कर देता, डिफरेंशिएशन कहता डिफरेंशिएशन कर देता, यहाँ पर कहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये तो एफ ऑफ एक्स है ही, एफ ऑफ माइनस एक्स भी निकाल लेते हैं, तो 1 बाई 5 माइनस 3 एक्स प्लस 2 बाई एक्स, और दोनों को रख देते हैं इक्वल, ठीक है, इक्वल रख के क्या आएगा देख लेते हैं, देखो बच्चों ये कैंसल,
ये थ्री टाइम उधर नेगेटिव का है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो ये थ्री इधर ऑलरेडी था और थ्री आया, तो सिक्स एक्स, और ये टू इधर था और टू इधर था, टोटल हो जाएगा फोर एक्स, और सिंप्लीफाई करोगे ये एक्स इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर बाई सिक्स, जिसे क्या लिख सकते हैं टू बाई थ्री। तो एक्स की क्या वैल्यू आई बताओ जरा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ टू बाई थ्री, मतलब एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस रूट टू बाई थ्री और दूसरी माइनस टू रूट बाई रूट टू बाई थ्री। ठीक है भाई बच्चों, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन इस पर आता है, तो ये हमारा पहला केस। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे केस पर, दूसरे स्पेशल फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई बच्चों, नाउ केस टू, केस टू देखो जरा क्या है। केस टू में क्या है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस, केस टू को ना मैं बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ, सीधा पैटर्न नहीं बता रहा हूँ अभी, मतलब केस टू में मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ, यू नो भूमिका, देखो इधर भूमिका मतलब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन। देखो ऐसा होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन, और मैं आपसे पूछ लूँ एफ ऑफ टू एक्स प्लस वन क्या है, तो आप इस एक्स को रिप्लेस कर देते थे टू एक्स प्लस वन से, सिंपल सा सभी को पता है। अगर मैं यहाँ से कहता कि मुझे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बताओ, तो आप इस एक्स को रिप्लेस कर देते थे किससे, सिंपल सी बात। बट अगर क्वेश्चन रिवर्स होता, मैं आपको ये दे देता और इससे ये पूछ लेता, तो क्या होता, तो प्रॉब्लम होती। देखो अगर कोई इजी फेस का क्वेश्चन है तो वो तो हो जाता है, जैसे मैं एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ, बट जहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, वहाँ पर मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ से समझना स्टार्ट करना, एग्जांपल देखो, मैंने आपको दिया एफ ऑफ टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस सेवन, और कहता हूँ फाइंड एफ ऑफ एक्स, ये आप ईजिली निकाल लोगे, ईजी क्वेश्चन है। तो आप क्या कहोगे कि सर एफ ऑफ अगर टू एक्स प्लस, समझना जरा, तो एफ ऑफ एक्स कब निकलेगा, जब ये रिप्लेस होगा किससे, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा बाई एक्स, तभी तो एफ ऑफ एक्स निकलेगा यहाँ से, है ना। बट समझो जरा, आप ये कहते हो ना कि जो लेफ्ट में रिप्लेस किया वही राइट, मीन्स अगर लेफ्ट में टू एक्स प्लस थ्री रिप्लेस किया तो राइट में भी टू एक्स प्लस थ्री ही रिप्लेस होगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। बट राइट वाले फंक्शन में तो टू एक्स प्लस थ्री की फॉर्म में है नहीं, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, राइट हैंड साइड भी इसकी, सॉरी ये वाली राइट हैंड साइड भी इसकी टू एक्स प्लस थ्री की फॉर्म में बनाई जा सकती है, ईजी है। बट ये ईजी क्वेश्चन लिया, जब अच्छा क्वेश्चन आएगा उसे इतनी जल्दी आप रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, नहीं होगा आपसे, तो उसके लिए एक पैटर्न बताऊंगा मैं, अभी इसे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। देखो राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए बताओ, टू चाहिए ना, फाइव है ना, तो टू से मल्टीप्लाई करो और टू से डिवाइड, ठीक है, और साथ में अभी ये बस इतना किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसे ऐसे लिख सकता हूँ फाइव बाई टू इंटू टू एक्स, टू से मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड, टू एक्स इन साइड ये बात, और फिर आपको और क्या चाहिए भाई इसमें, और प्लस थ्री चाहिए ना, तो प्लस थ्री कर दो और माइनस थ्री, देख लो जरा क्वेश्चन हो गया बस आपका भाई, जो मुझे चाहिए था बना लिया। अब देखो जरा ये टू एक्स प्लस थ्री, ये टू एक्स प्लस, उधर और तो कोई वेरिएबल नहीं, इसे एक्स से रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ एक्स इज फाइव बाई टू एक्स माइनस थ्री प्लस सेवन, डन, बन गया ना इजिली, इजिली। अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन भी देखेंगे और थोड़ा सा इजी है, तो यहाँ से अब आप इस पर कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऑपरेशन पूछता है इसके बाद भी कि मतलब ये दे देगा, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो पहले एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा देन इंटीग्रेशन। एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, देखो इजी है बट अब इसमें मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो मतलब मुद्दा तो वही है कि एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। अब एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, आप कहोगे सर एक्स माइनस वन बाई एक्स रिप्लेस बाई एक्स, कैसे रिप्लेस करेंगे देख लेते हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स को रिप्लेस करना है ना, तो देखो ज़रा ध्यान से हम लोग करेंगे क्या इस वाली कंडीशन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या इधर बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल बनाया जा सकता है, देखो इधर एक्स माइनस वन बाई एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर लिख दूँ इसे, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए इंटू बी करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल होके क्या बचेगा टू, आप देख लो जाएंगे, ठीक है इधर मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू होगा, तो इसका मतलब माइनस टू चाहिए, तो माइनस टू प्लस टू, और अब बस
देखो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को लिख सकता हूँ x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू। अब इससे रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स से और ये आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स। ये सब सिंपल केस थे मैंने जो ओरली हम लोग लो उसे कन्वर्ट कर चुके, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन जब कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो दिक्कत आएगी, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो हम लोग मैं आपको समझाता हूँ। देखो जरा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन फाइनली मैंने लिया है 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 या सिंपल x ले। देखो ऐसा क्वेश्चन देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जी का, और हमेशा पूछेगा कैसे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है इंटीग्रेशन बैक टू बैक आए हैं बेटा। दो तीन साल तो ऐसे थे कि बैक टू बैक हर साल इस पर पैटर्न पर क्वेश्चन, समटाइम इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा, समटाइम किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, तो इसी तरह के पैटर्न आपको देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना क्या है, देखो जरा सॉल्यूशन देखो डायरेक्ट, अभी अभी मैं आपको बताऊंगा, यहां पर एक पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर आप सोचो ना कि सर राइट हैंड साइड में ये बना लेंगे, बड़ा टफ होगा क्योंकि यहाँ पर नीचे भी है भाई, सिंपल कॉन्सेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता तो कर देते, बट यहाँ तो नीचे वेरिएबल भी है, उससे अगर डिवाइड करोगे तो फिर मल्टीप्लाई में वेरिएबल आ जाएगा, उसका क्या करोगे, फिर उसे सिंपलीफाई करोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अब हम लोग डायरेक्ट करना टफ होगा, या जो पहले वाले क्वेश्चन भी थे और ये भी थे, इन सब के लिए बिल्कुल मैं बिल्कुल एक बेस्ट वे आपको बता देता हूँ, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, अगर याद रखोगे एक मिनट में क्वेश्चन, वरना ये क्वेश्चन होगा नहीं बच्चों। आप सोचो कि इसे रिप्लेस कर दो, होगा ही नहीं आपसे, मीन्स चाहिए तो एफ ऑफ एक्स, तो इसे एक्स से रिप्लेस करना है ना, बट इधर तो ये वाली चीज़ है ही नहीं ना, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग इसे अनदर वेरिएबल लेट कर लेंगे। हम लोग लेट करेंगे लेट कि 2x प्लस 1 बाई 3x माइनस 5 रिप्लेस बाई अल्फा। इसे मैंने किस से रिप्लेस किया, अल्फा से। अब अगर मैं इसे अल्फा रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये x किस से रिप्लेस होगा, वो यहाँ से निकालेंगे। नाउ मैं आपको बता देता हूँ, नाउ फाइंड x इन टर्म ऑफ अल्फा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। ये अगर मैं देखो इसे अगर मैंने अल्फा रखा तो अब इधर भी तो टोटल अल्फा की फॉर्म में, तो इस x की वैल्यू इस अल्फा की फॉर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। इसे इधर भेजो, बस जो पहले वाले क्वेश्चंस थे वो भी सारे पैटर्न से हो जाएंगे बच्चों। x प्लस 1 इक्वल्स टू 3x अल्फा माइनस 5 अल्फा, ये इधर और ये 1 उधर, ठीक है। तो ये 2x माइनस 3x अल्फा और ये माइनस 1 माइनस 5, इससे x कॉमन ले लो तो 2 माइनस 3 अल्फा माइनस 1 प्लस 5 अल्फा, ठीक है। अब इसे ले आओ इसके नीचे, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 प्लस 5 अल्फा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 अल्फा। इस माइनस को भी नीचे भेजोगे तो देखो जरा मज़ेदार क्वेश्चन, बस अब हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अगर मैं इसे अल्फा रखूँ कोई भी वेरिएबल, तो इधर x की जगह क्या रखूँगा, 1 प्लस 5 अल्फा अपॉन 3 अल्फा माइनस 2, ये हमारा फाइनल आंसर। दोबारा अब देखो वेरिएबल होता है, इसकी जगह मैं x लिखूँ, y लिखूँ, z लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, कोई फर्क नहीं, दोबारा x लिख दो क्योंकि हमें चाहिए था x की फॉर्म में, तो 1 प्लस 5x अपॉन 3x माइनस 2। ये भाई सीधी सी कंडीशन है, तो निकल गया एफ ऑफ एक्स। अब कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, किसी कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है वो निकाल दो, डिफरेंशिएशन करना है वो कर दो, इंटीग्रेशन करना है वो कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आप प्रीवियस उठा के देखो, कई बार इस पर पैटर्न पर क्वेश्चन आए, तो ये स्पेशल केस का कौन सा केस नंबर 2, तीन छोटे से केस हो रहे हैं वो भी देख लें, ठीक है भाई, डन। नाउ केस नंबर 3, देखो बच्चों केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड बहुत सिंपल सा है, ये पैटर्न आप लोगों ने पहले भी देखा है, ठीक है। जो 11th की NCERT है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, सीरीज में इस क्वेश्चन होते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ऐसा होता है, दो कंडीशंस होंगी, एफ ऑफ एक्स प्लस, मतलब पहले सिंपल कंडीशंस ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस
एफ ऑफ वाई, या ऐसा लिख लो, चलो सॉरी, दो कंडीशन होगी, एक में मल्टीप्लाई होगा और इसमें एक में एडिशन होगा, सीरीज बनती है, बहुत ही इजी सी सीरीज बनेगी सीधी सी कंडीशन से। तो यहाँ से ये दे देगा और देन एफ ओफ एक्स पूछेगा, अब एफ ओफ एक्स पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, मीन सीधी सी बात है, यहाँ भी फाइंड एफ ओफ एक्स, मुद्दा ये है फाइंड एफ ओफ एक्स। बहुत इजी सा पैटर्न बता देता हूँ मैं, सॉल्व करके दिखा देता हूँ निकालते कैसे। देखो हम लोग क्या करेंगे, एक को फिक्स रखे ना, दूसरे को 1 2 3 4 5 रखेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन है। देखो एक बार क्या करो, एक्स को 1 और वाई को 1 पुट कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ 2 हो जाएगा ना, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1। फिर एक बार एक्स को 2 रखो, वाई को 1 रखो, तो देखो जरा 2 + 3, 2 + 1 = 3, देखो इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली ट्वाइस और एक ही है, तो क्या हो जाएगी थ्राइस ऑफ एफ ऑफ 1। फिर इसी तरह अगर एक्स को आप लो 3 रखो और वाई को 1 रखो, तो एफ 4 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 टाइम ऑफ एफ 1 अप टू एंड सो ऑन। तो यहाँ से एक पैटर्न पता चल गया, इसका मतलब ये है कि जो एफ ऑफ एक्स है, देखो एफ ऑफ 2 क्या है ट्वाइस ऑफ एफ 1, एफ ऑफ 3 क्या है थ्राइस ऑफ, एफ ऑफ 4 क्या है 4 टाइम ऑफ एफ 1, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा एक्स टाइम ऑफ एफ ऑफ। ये सीक्वेंस इन सीरीज में आपको देखने को मिला था, तो ये पैटर्न। तो मैं अगर इसमें कहूँ कि अगर ये कंडीशन होगी देन, ये तो मैंने प्रूफ कराया आपको, देन एफ ऑफ एक्स हमेशा किसके इक्वल आएगा बच्चों, एक्स टाइम ऑफ एफ ऑफ 1। ये तो एपी वाली सीरीज थी, एपी बन गई थी एक तरह से प्लस, बट इसकी जगह अगर इनटू होता, केस नंबर 4 देखो जरा, अगर इसकी जगह होता इनटू, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होते, अब पता है बच्चों क्या बनेगी, अब जीपी बनेगी, मल्टीप्लाई होता जाएगा तो पावर होती जाएगी। देखो अगर मैं एक्स को 1 रखूँ और वाई को 1, तो एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, देखो 1 + 1 = 2, एफ 1 इंटू एफ 1, तो ये बन गया एफ 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं कहता एक्स 2 और वाई ले लेता 1, ठीक है, अब देखो जरा क्या आएगा, अब आएगा एफ ऑफ 3 इज एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, अभी एफ ऑफ 2 निकाला आपने एफ 1 का स्क्वायर, तो एफ 1 का स्क्वायर पुट कर देते हैं और एफ 1 एक और, तो क्या हो गया एफ 1 की पावर अप टू एंड सो। अगर आप एफ 4 देखोगे तो वो आएगा एफ 1 की पावर 4, तो देखो एफ 2 देखोगे तो एफ 1 की पावर 2, एफ 3 एफ 1 की पावर 3, एफ 4 एफ 1 की पावर 4, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा बोलो, एफ ऑफ एक्स क्या होगा एफ ऑफ 1 की पावर एक्स। मीन्स जब भी कभी आपको ये मिले, जब भी कभी ये, तो इसके लिए जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, एफ 1 की पावर एक्स। ध्यान रखना बीच में प्लस था और यहाँ पर मल्टीप्लाई, लास्ट केस आज केस नंबर 5, ठीक है भाई बच्चों। तो ये कभी भी आएगा तो आपको एफ ऑफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट में आप लोग जब भी कभी ये मिले तो उस वाले केस में एफ ऑफ एक्स हमेशा ये होगा, एफ 1 देगा आपको, जैसे एफ 1 3 दे दिया तो आप इजीली निकाल सकते हो। लास्ट इसका केस वो देख लेते हैं बच्चों, वैसे तो देखो इस तरह की सीरीज बेस क्वेश्चन काफ़ी मिल जाते हैं, बट मैंने मेन मेन वो कराए हैं जो मोस्टली आते हैं। केस नंबर 5, देखो आपको कभी ये मिले एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, इस तरह की कंडीशन मिले और एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ओ 1 बाई एक्स, ठीक है, तो देखो जरा क्या कंडीशंस होगी, ध्यान से देखो, कभी भी ये मिले तो इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स होता है बच्चों 1 ± x^n, ये आप लोग को इसमें मिलेगा। कभी भी आप एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 बाई एक्स ऐड है रेसिप्रोकल और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो एफ ऑफ एक्स हमेशा इसके इक्वल आएगा, ठीक है, ये सिंपल सी कंडीशन है, याद कर लोगे, इसी तरह हम लोगों ने प्रूफ की है। इस पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आई नो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को, देखो इफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है, ये कंडीशंस दे दी एंड मैंने आपको कोई कंडीशन दे दी, लेट करो एफ ऑफ 3 इज 28 एंड फाइंड एफ ऑफ 4, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, तो देखो जरा कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन।
देखो अगर ये कंडीशन इफ एफ ओफ एक्स एफ ओफ वन बाई एक्स एफ ओफ एक्स इंटू एफ ओफ वन बाई एक्स है, तो हमें पता है कि एफ ओफ एक्स किसके इक्वल होगा, वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन के इक्वल होगा। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एफ ओफ थ्री इज 28। चलो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 3 पुट करो भाई x की वैल्यू, तो एफ ओफ थ्री जब पुट करोगे ये 3 ये 3 1 प्लस माइनस 3 की पावर n, और ये किसके इक्वल दे रखा है 28, इसे इधर भेजना ज़रा। अब मुझे पहले तो यहाँ से आपको प्लस माइनस डिसाइड करना पड़ेगा, बोलो प्लस लें या माइनस, पॉजिटिव है ना तो इधर भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वी टेक, ये ध्यान रखना अगर पॉजिटिव लिया है फाइनल में भी पॉजिटिव लेंगे, तो 3 की पावर n इज 27, इसे लिखेंगे 3 की पावर 3, तो n की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब जो f ऑफ x फंक्शन है वो 1 प्लस लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर प्लस लेके हम लोगों ने निकाला है, तो प्लस यहाँ पर प्लस लिया और n की वैल्यू निकाली हम लोगों ने 3, तो x की पावर ये आ गया फंक्शन। और अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 4, तो 1 प्लस 4 क्यूब इज 65। समझ में आ गया, तो जब भी कभी ये चीज़ आए तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। ये एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने आपको, ये थोड़ा सा रेयर आता है, बट जो पहले 4 केस थे ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ज़बरदस्त तरीके से आते हैं, ठीक है भाई बच्चों, प्लीज़ वर्क हार्ड। मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया, रिलेशन एंड फंक्शन, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, बोर्ड एग्जामिनेशंस, जेई मेंस, जेई एडवांस, हर पैटर्न से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कंप्लीट है आपके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क हो सके उतना हार्डवर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ जेई मेंस के, देखो सारे तो नहीं करा पाऊँगा क्योंकि आपको पता है कि टाइम की भी थोड़ा इशू होता है, बहुत ही शॉर्ट सी क्लास होती है हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, प्लीज़ हार्डवर्क करो। कंप्लीट करा दिया जितना मैं करा रहा हूँ साथ के साथ, मीन्स आज की डेट, आज रात 12 बजे से पहले पहले आपका यहाँ तक का जो वीडियो देख लिया आपने, यहाँ तक की सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ पता ही आपको क्या करना है, चीज़ें समझ में आती है, सब कुछ क्लियर लग रहा है आपको, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो और चैनल सब्सक्राइब करो, उन बच्चों के पास भी जो फीस पे नहीं कर सकते, जो घर पर रहे हैं, जो दूर दराज में हैं, जिन्हें के पास अच्छी आसपास ट्यूशंस नहीं है या कोई अच्छे आसपास टीचर्स नहीं है, ठीक है, उन सबको आप फॉरवर्ड करो, ठीक है बच्चों। सो प्लीज़ ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा मिलेंगे, ठीक है बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सभी ने करना है, ठीक है, ओके बेटा।